नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या बिहार में विकास कोई मुद्दा नहीं है? क्या बिहार की जनता इस बात पर नई सरकार चुनेगी कि कौन तांत्रिक के पास जाता है और कौन संत महात्माओं के चक्कर लगाता है? इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये रिपोर्ट आपको बताएगी, यही सवाल खड़े हो रहे हैं। भक्ति देवायो, भक्ति देवायो, प्रीति देवायो। बिहार चुनाव में जंतर मंतर तंत्र मंत्र को लेकर छिड़ी जंग की ये नई तस्वीर है। रेप केस में जेल में बंद आसाराम बापू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल पुराना वीडियो जारी कर जेडीयू ने बीजेपी के उस हमले का जवाब दिया है जो उसने एक तांत्रिक संघ नीतीश कुमार का वीडियो जारी कर किया था। पीएम मोदी और आसाराम का ये वीडियो 10 साल पुराना यानी 8 सितंबर 2005 का है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आसाराम बापू के खिलाफ रेप जैसा संगीन केस नहीं था। मातृ तीर्थ कहे जाने वाले सिद्धपुर में सरस्वती नदी में नर्मदा का पानी जारी करने के मौके पर गुजरात सरकार ने तब एक कार्यक्रम किया था। उसी में देश भर के तमाम संत महात्माओं के साथ आसाराम बापू भी पहुंचे थे। लेकिन बदले माहौल में जेडीयू ने इस वीडियो को जारी कर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की है। जो देश के प्रधानमंत्री है उनका पाखंड सामने आ गया। वो अपने भविष्य के उज्जवल के लिए तंत्र मंत्र और पूजा पाठ बाबा से कैसे मिलते हैं, वो भी ऐसे बाबा जिसको कि दुनिया देश दुनिया जानती है, आसाराम बापू, इसको लोग बलात्कारी बाबा बोलते हैं, आज जेल के सलाखों के पीछे और वो झूम रहे हैं, भजन कर रहे हैं आसाराम बापू के साथ। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी ने एक तांत्रिक के साथ नीतीश कुमार का वीडियो जारी किया था और बिहार की चुनावी रैली में इस वीडियो को लेकर पीएम मोदी ने नीतीश पर जमकर चुटकी ली थी। वे परेशान हो गए हैं और परेशान होकर के अब उनका जनता पर भरोसा नहीं, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, अब उनका भरोसा बचा है मंत्र तंत्र पर। बिहार के चुनावी संग्राम में यह तीसरा वीडियो। पहले तांत्रिक संघ नीतीश का वीडियो जारी हुआ, फिर मशहूर एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला ने पीएम मोदी का हाथ देखने का वीडियो जारी किया और अब आसाराम के साथ पीएम का वीडियो। ऐसी कैसी विडंबना है जिस देश में आम लोगों के लिए संत महात्मा ज्योतिष तंत्र मंत्र कोई मुद्दा नहीं, वहां नेता विकास की बातें छोड़कर इन चीजों में क्यों उलझ गए? क्या उन्हें विकास के मुद्दे में दम नहीं लगता? पटना से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो।